हम अपने रसोई घर में भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार कोशिकाओं की भी अपनी रसोई होती है, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। उनके पास भी उनके खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। चलिए अब इसकी संरचना देखते हैं। इसकी भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। चलिए अब इसका कार्य देखते हैं। कार्यात्मक रूप से प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। दूसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन वर्णक होते हैं। तीसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट, यह सफेद या रंगहीन अंगक होते हैं, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।